ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में 9 सितंबर को निधन हो गया। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही हस्ती रही। उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। बकिंघम पैलेस ने एक बयान जारी कर कहा कि दोपहर बालमोरल में महारानी का निधन हो गया। किंग और क्वीन कंसोर्ट आज शाम बालमोरल में रहेंगे। उसके बाद 19 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिनिधिमंडल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लंदन पहुंचे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दर्शन करने के लिए रविवार को ही लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके साथ ही साथ भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन्हें अंतिम विदाई देने लंदन पहुंची। इसी बीच एक बड़ी घटना सामने आई। खबरों की माने तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद यूके से कोहिनूर समेत कई तरह के डायमंड की मांग उठने लगी है। उसी कड़ी में अब दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिटेन से ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका की वापसी की मांग की है। इस कीमती हीरे, जिसे कलनिन या अफ्रीका का ग्रेट स्टार कहा जाता है, दावा है कि इस हीरे को एक बड़े रत्न से काटा गया है, जिसकी खोज साल 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खनन के दौरान की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के औपनिवेशिक अधिकारियों ने इस कीमती हीरे को ब्रिटेन रॉयल फैमिली को सौंप दिया था। अब ये कीमती हीरा महारानी एलिजाबेथ की शाही छड़ी पर लगा हुआ है। महारानी की मौत के बाद ब्रिटेन से अफ्रीका के इस ग्रेट स्टार और अन्य कीमती हीरो की वापसी की मांग तेज हो चली है। कई दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों ने ब्रिटेन द्वारा कीमती गहनों को अपने कब्जे में ले जाने को गलत बताया। क्वीन के निधन के बाद से उपनिवेशवाद को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। दक्षिण अफ्रीका मीडिया इस हीरे के स्वामित्व को लेकर बहस पर उतारू है, साथ ही मुआवजे का भुगतान करने की भी मांग कर रहा है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि अफ्रीका की तरह ही भारत में भी ताज में लगे हीरे की मांग हो रही है और सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया में भी ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ब्रिटेन परेशान है। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका की वापसी के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। इस याचिका में कहा गया कि अफ्रीका के ग्रेट स्टार को तुरंत वापस किया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि दक्षिण अफ्रीकी म्यूजियम में इस हीरे को प्रदर्शन के लिए रखा जाए। दक्षिण अफ्रीकी संसद के एक सदस्य बुयोल बेथू जुंगला ने अफ्रीकी मूल के नागरिकों से अपील की है कि वो ब्रिटेन द्वारा किए गए सभी नुकसान के लिए भरपाई की मांग करें। इसके अलावा ब्रिटेन द्वारा चुराए गए सभी कीमती चीजें, जैसे सोना और हीरे की वापसी हो। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अफ्रीकी लोगों में अपने सामान को लेकर आग भड़क गई है। ठीक वैसे ही भारत के लोगों के अंदर भी ये आग धधक रही है। अब देखना होगा कि ब्रिटेन, जो हमेशा चुप रहता है, इस बार क्या करता है। क्या बाजी पलटती है या जायज मांग शोर में दब जाती है। देखना दिलचस्प होगा।